हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं सहारा निवेशों को बीच बीच में मैं अवगत कराता रहता हूं, जहां CRC पोर्टल का बना हुआ 1 साल 5 दिन से ज़्यादा हो चुका है, इसके बावजूद भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। तो इससे सहारा निवेशकों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। निवेशक क्या कह रहे हैं एक बार आप देखें, इस बार ही खुली चेतावनी दिया हुआ है। माननीय महोदय, इस बात को आप ध्यान में रखकर अगली बार लोकसभा में आप जब भी जाएं, इस बात को लेकर के आप वहां जिक्र करें, यह माननीय महोदय अमित शाह जी, आप सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, आपने आश्वासन दिया था देश के सामने मंच पर आकर के कि हम पूरे भारत के सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का भुगतान दिलाएंगे। आज 19 तारीख में हम लोग बैठे हैं, 1 साल 2 दिन हो गया उनका पोर्टल का लॉन्चिंग करे हुए। 17 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्च किए थे, 1 साल 2 दिन आज हो गया और परसेंटेज जो देखिएगा 5,000 करोड़ रुपया का भुगतान वो नहीं कर पाए। करना कितना का है? लगभग 2,50,000 करोड़ रुपया का भुगतान देश में करना है। अगर जिस गति से वो भुगतान कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोगों की उम्र 90-100 पार हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, उसका पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए माननीय महोदय से आग्रह करने के लिए हम लोग आए हैं कि माननीय महोदय, आप इस प्रश्न को जब भी लोकसभा में जाएं, इस प्रश्न को दोहराते रहिए। वो गुंगी बहरी सरकार कब तक आपकी आवाज को सुनती है या नहीं सुनती है, ये आपके आवाज पर निर्भर करता है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश में गठबंधन के जितने भी सांसद चुनकर गए हैं, सबको ज्ञापन दिया गया है, अगुवाई आप कीजिए, क्योंकि लड़ाई अंतिम छोर पर चल रही है, हो सकता है कि इसका श्रेय आपको मिल जाए। एक बार हमारे माननीय विधायक महोदय बैठे हुए हैं, जब माननीय विधायक महोदय को हमने ज्ञापन देने के लिए गए थे, माननीय महोदय से हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप हम लोगों को तेजस्वी यादव जी से मिलवा दीजिए, अनुरोध किया था हमने। मैंने बोला कि बिहार का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में बना हुआ है तो सहारा इंडिया का भुगतान का मुद्दा बना हुआ है। अगर गठबंधन सरकार, गठबंधन जो है हम लोगों की, अगर इसको मुद्दा बना लीजिए, तो अगर लोकसभा में मुद्दा बन गया होता तो आज दृश्य कुछ और होता। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में इसको जोरदार तरीके से मुद्दा बनाइए। एक बात हमको सुनने में आई है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में आपने व्यवस्था की है 25 अगस्त को भाकपा माले के द्वारा, हम लोगों से कष्ट को देखते ही हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि कृष्ण मेमोरियल हॉल की जो क्षमता है मात्र 2500 लोगों की है, लेकिन अगर आप आवाज बुलंद कीजिए, अगुवाई कीजिए, हम लोग गांधी मैदान भरने के लिए तैयार हैं और चैलेंज करते हैं कि गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, हम लोगों की इतनी संख्या है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, फिर अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे।